सो हेलो गाइस, टेक के अभी के कौन है वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो S10e के बारे में। गाइस, S10 सीरीज के दो स्मार्टफोन वीवो S10 एंड S10 प्रो ऑलरेडी कुछ महीने पहले ही चाइना में लॉन्च किए जा चुके हैं। अब बहुत जल्द इसका लाइटर वेरिएंट वीवो S10e चाइना में लॉन्च किया जाएगा। अभी तक इसके लॉन्च डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं, बट कुछ टाइम पहले ये स्मार्टफोन टेना सर्टिफिकेशन साइट को क्लियर कर चुका है। तो उधर से इस फोन के ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेसिफिकेशन कन्फर्म कर दिए गए थे और अब दोस्तों इस फोन के फर्स्ट लुक भी रिवील हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इस फोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या कुछ इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा, किस प्राइस पर इसे चाइना में लॉन्च किया जाएगा और कब तक लॉन्च किया जा सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो इसके जो लाइव इमेजेज बाहर आए हैं वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिज़ाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। वीवो S10 सीरीज से काफ़ी मिलता जुलता इसमें डिज़ाइन देखने को मिलेगा। 7.6 mm थिकनेस के साथ आएगा, 175 ग्राम इसका वेट होगा, तो काफ़ी स्लिम एंड स्लिक साइज में डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों की तरफ से ये फोन फ्लैट होगा, ग्लास बैक के साथ आएगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें कि 3 कैमरा सेंसर होंगे। फ्रेम मेटल का होगा और फ्रंट की तरफ इसमें ग्लास देखने को मिलेगा। फ्लैट स्क्रीन होगी, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बेजल सुरचिन इसमें काफ़ी पतले देखने को मिल जाएंगे। और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। तो फोन काफ़ी गुड लुकिंग होगा, काफ़ी प्रीमियम सा फोन में डिज़ाइन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.44 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। FHD प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले होगा। सैमसंग का E1 प्रो AMOLED डिस्प्ले होगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा। स्मूथनेस के लिए इसमें 90 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही HDR 10 प्लस भी सर्टिफाइड होगा। तो फीचर्स वाइज इस फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा होने वाला है। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। प्राइमरी सेंसर इसमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होगा। सेकेंडरी सेंसर इसमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। थर्ड सेंसर इसमें 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक माइक्रो सेंसर होंगे। और फ्रंट की तरफ इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा फोन में बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरे में आपको तरह तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे, HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, बुके इफेक्ट, इन सभी चीज़ों का ऑप्शन इस फोन के कैमरे में मिलेगा। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है और फ्रंट कैमरे में मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। गाइज, अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि मुझे लगता है स्लाइडली थोड़ी छोटी बैटरी है। कम से कम इसमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलनी चाहिए थी। इसके साथ ही 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। फोन में टाइप सी पोर्ट, NFC, सिंगल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और 3.5 mm जैक के बारे में बात करें तो इसकी अभी तक कोई जानकारी निकल के नहीं आई है। सेंसर के बारे में बात करें तो फोन में ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर भी देखने को मिलेंगे और लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है इसे 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जा सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, ओरिजिन OS 1.0 के ऊपर रन करेगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि मिड प्रीमियम कैटेगरी का चिपसेट है। काफी पावरफुल चिपसेट है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है, तो ये काफी एनर्जी एफिशिएंट है। मतलब इस फोन में एनर्जी एफिशिएंट बैटरी एफिशिएंट अच्छी मिलेगी, हीटिंग का इशूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये R-Mali G68 के ऊपर बेस्ड है जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा चिपसेट कह सकते हो। डे टू डे लाइफ का सारा काम ये चिपसेट बिना कोई प्रॉब्लम आसानी से हैंडल करके दे देगा और सभी तरह के गेमिंग वूमिंग भी ये मक्खन की तरह हैंडल कर लेता है। तो फोन में परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिलेगा और ये फोन LPDDR4X रैम, UFS 2.1 या फिर 2.2 स्टोरेज के साथ आ सकता है। तो फोन में रीड एंड राइट स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो गाइज, कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ भी वो S10e को चाइनीज मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में। तो प्राइस को लेकर अभी तक कोई भी लीक्स वगैरह बाहर निकल के नहीं आए हैं, लेकिन ये वीवो का फोन है और वीवो के फोन की प्राइस चाइना में भी अधिक ही देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि चाइना में इसे अराउंड 25,000 के करीब लॉन्च किया जा सकता है, इससे अधिक प्राइस मुझे नहीं लगता रखी जाएगी। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लॉन्च डेट को लेकर थोड़े बहुत रूमर्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है इस फोन को इसी मंथ में लॉन्च किया जाएगा, इसी मंथ के लास्ट वीक तक में ये फोन लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है, कैसे स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जाता है और सबसे जरूरी बात किस प्राइस पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।